नमस्ते दोस्तों, अगर हमें आप में आप पर भरोसा है, हिम्मत है और हमारी सोच सकारात्मक है तो हम बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। मैं आपको डेविड और गोलियत की एक कहानी बताऊंगा। फिलिस्तीन और इसराइल लोगों में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। गोलियत यह फिलिस्तीन का एक सोल्जर था और वो बहुत जायंट था। उसकी हाइट लगभग 9 फीट थी और बड़ा जायंट और बड़ा योद्धा था। एक दिन वो गोलियत इसराइल के राजा को चैलेंज करता है कि आप में से किसी को भी मेरे साथ लड़ाई को भेजो, अगर मैं जीत गया तो आपके सारे इसराइल लोग हमारे फिलिस्तीन के गुलाम होंगे, और अगर मैं हार गया तो हमारे सब फिलिस्तीन लोग इसराइली लोगों के गुलाम होंगे। राजा को बड़ी चिंता होती है क्योंकि उसे मालूम है कि गोलियत को हराने वाला हमारे देश में कोई नहीं। फिर एक डेविड, एक शेफर्ड होता है, एक छोटा सा बच्चा, वो राजा को मिलने को आता है और राजा को कहता है कि राजा, मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, मैं गोलियत को मार दिखाऊंगा। राजा मन के मन में मुस्कुराता है, उसे चिंता भी होती है, और वो डेविड को कहता है कि अरे डेविड, तू अभी तक बच्चा है, तूने गोलियत को नहीं देखा, वो बहुत बड़ा जायंट है, तू उसे हरा नहीं पाएगा, वो तुझे मार देगा, मुझे चिंता हो रही है, तू ऐसा मत कर। तब डेविड मुस्कुराता है और कहता है कि राजा, मुझे आपने आप पर भरोसा है, मुझ में हिम्मत है, मैं आपको कहता हूँ, बड़े 100% कहता हूँ कि मैं गोलियत को मारूंगा। फिर राजा सोचता है कि ये अगर इतना कह रहा है तो इसे एक चांस दिया जाए, और राजा डेविड को एक उसकी तलवार और ढाल देता है और कहता है कि इसका यूज़ तुझे हो सकता है, तो तू ये तेरे साथ लेके जा। डेविड गोलियत के सामने आता है और कहता है कि मैं तेरे से लड़ाई करने को तैयार हूँ। गोलियत जोर से हंसता है और कहता है, अरे डेविड, तू तो बच्चा है, तू मुझे कैसे मारेगा, एक मिनट में मैं तुझे मार दूंगा। तो डेविड कहता है, तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। ऐसा सुनने के बाद गोलियत बहुत गुस्से में आता है और अपनी तलवार लेकर डेविड के सामने भागते भागते जाता है। डेविड उतने में उसका गुलेल निकालता है और वो गुलेल जोर से खींच के पत्थर गोलियत के सिर को मारता है। इतने जोर से वो पत्थर गोलियत के सिर को लगता है कि गोलियत नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद डेविड एक सेकंड भी रुकता नहीं है, उसकी तलवार लेके गोलियत के पास जाता है और गोलियत का सिर वो काट डालता है। ये देखकर सभी फिलिस्तीन लोग भाग जाते हैं। डेविड वो गोलियत के हथियार लेकर और गोलियत का सिर लेकर राजा के पास आता है और राजा को कहता है कि राजा, हम ये लड़ाई जीत गए। राजा देखकर हक्का बक्का होता है। दोस्तों, इसका रीज़न एक ही है कि डेविड का आपने आप पर भरोसा होता है, डेविड को आपने आप पर भरोसा होता है। डेविड के पास बहुत हिम्मत होती है और डेविड की सोच ये सकारात्मक होती है। अगर ये तीनों बातें हम में हैं तो हम भी बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।